हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेस्ट के डे पे, और सभी को रक्षाबंधन की खूब खूब बधाई। तो चलिए, आज बनाने जा रहे हैं ऐसी मिठाई कि ये मिठाई बनाने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा और बहुत ही अच्छी ये मिठाई बनके तैयारी होएगी, और कम से कम आप 10 मिनटों में ये मिठाई बना के तैयारी कर लोगे। और ये देखिए, बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी ये मिठाई बनी है। तो ये मिठाई आप रक्षाबंधन पे एक बार ज़रूर बनाइए। तो चलिए बनाना स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले देखिए, कोई भी आप कप या कटोरी से मेजरमेंट कर लीजिए। तो मैंने इस कप से एक कप मैंने चीनी ली है। तो ये चीनी में चीनी आप कोई भी चीनी ले सकते हैं, साबुत भी ले सकते हैं और पिसवी भी ले सकते हैं। उसी कप से मैंने एक कप नारियल का बुरादा लिया है। नारियल जैसे गट बोलते हैं, उसको आप घर पे भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे ऊपर से उसके ब्लैक है वो हटा के आप उस नारियल को छोटे छोटे पीसेज में कट करके वो भी आप डाल के तैयारी करके ले सकते हैं। हाफ कप से कम मैंने डाला इसके अंदर काजू, और काजू और सभी डाल के ये मैं देखिए पीस की पाउडर बना के तैयारी कर ली है। और अब मैं इसके अंदर हाफ कप डाल देती हूँ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर कोई भी ब्रांड का हो, आज मिल्क पाउडर भी आपको आराम से मार्केट में मिल जाता है, वो आप डाल सकते हैं। और हाफ टी स्पून डाल दिया मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर। फ्लेवर के लिए देखिए, आप जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर डाला है, इसकी जगह आप और भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। ये सारी चीज़ डाल के अच्छे से मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब मैंने लिया एक कटोरी के अंदर दूध, ठंडा दूध है और इसके अंदर थोड़ी मलाई भी है। आप अकेला दूध भी ले सकते हैं, पर मैंने इसके अंदर थोड़ी मलाई ली है। मलाई को अच्छे से मिक्स कर लिया और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसको अच्छे से एक डो की तरफ लगा के तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए, एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, जैसे एक ही दो दो चम्मच डाल के टोटल इसके अंदर 3-4 चम्मच दूध लगेगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से डालना है, और फिर भी आपको ऐसे लगे कि दूध ज़्यादा हो गया, ये गीला हो गया, तो आप इसके अंदर मिल्क पाउडर या नारियल का बुरादा आप और डाल सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से डो लगा लिया है। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाए तो सॉफ्ट भी नहीं लगाए, इस तरीके से तैयारी कर लिया। अब कोई भी आप एक प्लेटफॉर्म पर, जैसे कोई आप ले लीजिए चकला वगैरह, मैंने चकला लिया, उसके ऊपर फॉइल पेपर बिछा लिया। अब इसके ऊपर अच्छे से इसको मिठाई की तरह, जैसे इसकी चक्की काटनी है या आपको पेड़ा बनाना है, जो आपकी पसंद है वो मिठाई बना के आप तैयारी कर सकते हैं। तो मैं बेलन से इसको बेल लिया है और ऊपर इसके चांदी का वर्क लगा दिया है। तो इसके ऊपर आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हो, या आपकी चॉइस है, या आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर से अपन मिठाई को सजा देते हैं तो उसका लुक भी एक अलग आ जाता है। तो ये देखिए, अब इसका पीस कट करके तैयारी कर लेते हो। तो मैं इसकी कतली बना रही हूँ, आपकी चॉइस है आप किस तरीके से मिठाई के पीसेस कट कर रहे हो, वो आप पर निर्भर है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं कट कर लेती हूँ। केवल इसको मैंने 10 मिनट यहीं रखा है रेस्ट करने के लिए। आप इसको 15-20 मिनट फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, और 15-20 मिनटों में आराम से ये तैयारी हो जाता है। मैंने 10 मिनट बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ, और फिर भी बहुत ही अच्छे से ये सेट हो गई है। थोड़ी देर इसको फिर फ्रिज में रख देंगे तो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी कतली बन की तैयारी हुई है। बहुत ही कम समय में आप 10 मिनटों में, कोई भी घर पे मेहमान आ गया है या आपको बच्चों का कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो आप आराम से 10 मिनटों में ये मिठाई बना के तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो या आपको कोई भी इसमें कुछ लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस रक्षाबंधन पे आगे बहुत त्यौहार आ रहे हैं, तो ये आप एक बार ये मिठाई ज़रूर बनाइए।